कार पेट्रोल। हे कार, लगता है आज बड़े खुश हो। जरा रुको, क्या वो तुम्हारे घर में आग लगी है? मेरा मतलब सुपर ट्रक के घर में। तुम्हें कार पेट्रोल को बुलाना चाहिए। घबराओ मत, वो तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे। कार पेट्रोल, कार द ट्रांसफॉर्मर मुसीबत में है। उसके घर में आग लग गई है और आग जल्दी ही फैल के उसके सीक्रेट सुपर ट्रक केव तक पहुंच जाएगी। तुम्हें पता नहीं था काल ही सुपर ट्रक है? तो फिर तुम ये किसी को मत बताना। अरे नहीं, आग तो और बढ़ गई है। ओ, लगता है फ्रैंक इसे अकेला नहीं संभाल पाएगा। हेक्टर और मदद लेने जा रहा है काल। मैट को लगता है कि तुम्हें अपना मास्क पहन लेना चाहिए ताकि किसी को पता न चले कि तुम ही सुपर ट्रक हो। घबराओ मत फ्रैंक, मदद बस आ रही है। इससे आग जल्दी बुझ जाएगी। मास्क से काम बन गया काल, किसी को पता नहीं चला तुम सुपर ट्रक हो। ग्रेट, सूजी ने आग को सुपर ट्रक के केव तक पहुंचने नहीं दिया। और उधर बेन ने पौधों को बचा लिया हमेशा की तरह, लेकिन पेड़ों को बचाना उसके लिए मुश्किल था। अच्छा है कि चार्ली ऊंचाई तक पहुंच सकता है। आखिरकार सबने मिलके आग को बुझा दिया। हे, सुपर ट्रक कहाँ गया? वो केव को चेक करने गया है। उम्मीद है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। अच्छी खबर है दोस्तों, सुपर ट्रक ने कहा कि तुमने आग को केव तक पहुंचने से पहले ही बुझा दिया। वैसे तो कार सिटी को हमेशा सुपर ट्रक ने बचाया है, लेकिन आज उसे तुम्हारी मदद की जरूरत थी और तुमने उसे बचा लिया। बहुत खूब।
कार सिटी में चोरी हुई है और कार पेट्रोल को इन्वेस्टिगेशन में मदद की जरूरत है। क्या किसी ने बहुत सारे ईस्टर एग्स चुरा लिए? बहुत बुरा हुआ। उन एग्स को ढूंढने के लिए तैयार हो? क्या देखा तुमने गैरी? अच्छा सोचा, एक बिन अच्छी जगह हो सकती है कुछ छुपाने के लिए। कोशिश करते रहो गैरी, तुम्हें एक अंडा तो जरूर मिलेगा। तुम तो कॉन्फिडेंट लग रही हो कैरी। ओह, तुम्हें लगता है बेकरी में एक अंडा होगा? कैरी, केक और कुकीज की तरफ ध्यान मत दो। यहाँ तो नहीं है। रुको, वो ऊपर क्या है? वहाँ बेकरी साइन पर। तुमने एक ढूंढ लिया, बहुत अच्छे कैरी। हेलो टॉम, क्या तुम इस पुरानी सी गाड़ी को वापस गैराज ले जाने वाले हो? वैसे ये कैसा रहा? तुम्हें बिना ढूंढे ही एक एग मिल गया। इसे मैट और फ्रैंक के पास ले जाते हैं। चलो देखते हैं गैरी क्या कर रहा है। अभी भी कुछ नहीं। हुआ लिली, क्या तुम्हें अंडा मिला? ओ, एक बॉल पूल। सही कहा, वहाँ एक ना एक अंडा तो जरूर होगा। वो क्या है, स्पॉट वाला, धारियों वाला शायद। रुको, वो गोल नहीं है, बॉल की तरह। वो तो एक अंडा है। ओ, बेचारा गैरी, वो अभी भी बिंस में ही ढूंढ रहा है। आखिरकार चलो पार्क वापस चलें। वाह, जरा उन अंडों को देखो। और ये आया गैरी आखिरी अंडे के साथ। तो अब आगे क्या होगा दोस्तों? ओ, ये कोई छानबीन नहीं थी, ये एक ट्रिक ईस्टर एग हंट था। और सब अपना ढूंढा हुआ अंडा खाएंगे।
ग्रेट टीम वर्क दोस्तों, वो अंडे तुम्हारे ही हैं। हैप्पी ईस्टर। कार पेट्रोल। वाह, जेरी लेक के चक्कर लगा रहा है। वो जरूर कल की रेस की तैयारी कर रहा होगा। हे जेरी, अंधेरा होने वाला है, तुम आराम नहीं करोगे? मुझे यकीन नहीं होता, जेरी पूरी रात प्रैक्टिस कर रहा था। जेरी, तुम्हें सच में आराम करना चाहिए इससे पहले कि कोई एक्सीडेंट हो। लगता है तुम्हें कीचड़ से बाहर आने के लिए मदद की जरूरत है जेरी। देखता हूँ मैट और फ्रैंक क्या कर रहे हैं। Hey, दोस्तों, जेरी को मदद की जरूरत है। वो कीचड़ में फंस गया है लेक पर। सही कहा, उसे दिन में रेस में भी पहुंचना है। पता नहीं वो जा पाएगा या नहीं। क्या तुम मदद करोगे? ग्रेट, बिल्कुल फंस गया है ना? लगता है वो लोग रेस ट्रैक बना रहे हैं। जेरी बहुत लकी होगा अगर वो रेस तक पहुंच गया। तुम्हारे पास आइडिया है मैट? बिल्कुल, टो ट्रक टॉम जरूर कुछ कर सकता है। वो यही रेस ट्रैक पर है, चलो चल के उससे पूछते हैं। वो रहा टॉम। काश मैट उसे जेरी की मदद के लिए मना ले। फ्रैंक कहाँ चल दिया? क्या कुछ बात बनी? मुझे लगता है फ्रैंक के पास कुछ और आइडिया है। बिल्कुल, लेक तो ट्रैक से थोड़ी दूर है। शायद चार्ली द क्रेन उसे कीचड़ से निकालकर यहाँ ला सके। ग्रेट, लगता है चार्ली मदद करेगा। हे जेरी, मैट और फ्रैंक चार्ली को तुम्हें बाहर निकालने के लिए लाए हैं। अब हमें इसे रेस ट्रैक तक ले जाना होगा। अभी रेस शुरू होने में टाइम है, चलो तुम्हें साफ कर दें। ग्रेट, बस व्हील्स बदलने हैं। शायद अब टॉम फ्री हो। ओ, देखो मैट पहले ही उसके पास गया। और इस बार टॉम मदद करेगा। वक्त निकल रहा है, हमें जल्दी उन व्हील्स को बदलना होगा। चार्ली फिर से मदद करेगा। अब उन टायर्स को जल्दी से लगा दो। ग्रेट, सब कुछ टाइम पर हो गया।
रेस शुरू हो गई और लगता है जेरी जीत जाएगा। शायद अच्छा ही हुआ कि वो कीचड़ में फंस गया, उसको आराम की जरूरत थी। उसने कर दिखाया, वो जीत गया। वाह, तुमने कर दिखाया, कुछ ही घंटों पहले तुम कीचड़ में फंसे थे, सब कुछ इनकी वजह से हो पाया। कमाल की टीम है। कार पेट्रोल। वो रहे सूजी और जेरेमी, काफी खुश लग रहे हैं दोनों। ओ, तो वो लोग प्लेग्राउंड जा रहे हैं। क्या हुआ दोस्तों? ओ नहीं, किसी ने मैदान में तोड़फोड़ कर दी है। मुझे लगता है तुम्हें किसी और दिन आना होगा खेलने के लिए, पर अभी तो ये बात मैट को बतानी चाहिए। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। एक एक करके बोलो। ग्रेट, मैट और फ्रैंक मदद करेंगे। अच्छा आइडिया है दोस्तों, फैल जाओ और ऐसे बदमाशों को जल्दी ढूंढ पाएंगे। वो क्या था? शायद वही बदमाश होंगे। ओह, ये तो फ्रैंक है। वो बदमाश जरूर छुप रहे होंगे। तुम्हें लगता है वो शाम को निकलेंगे? उम्मीद है मैट और फ्रैंक उन्हें शाम को पकड़ लेंगे। ओह, मैदान में तो कोई भी नहीं है। तुम्हें ढूंढते रहना होगा दोस्तों। ये आवाज तो कंस्ट्रक्शन साइट से आ रही है, लेकिन दरवाजे तो बंद है। बढ़िया आइडिया है, इस कैमरे के साथ तुम फेंसिंग के ऊपर से देख पाओगे। धीरे धीरे। ये तो वही बदमाश है और ये लोग फिर से कुछ गलत करने वाले हैं। पकड़े गए, ये तो टायलर टाइक और उसका दोस्त है। लगता है तुम्हारी रात जेल में बीतेगी। हमारे मैट और फ्रैंक ये दोनों रात भर यहीं थे, देख रहे थे कहीं वो बदमाश भाग ना जाए। जाने से पहले तुम दोनों के लिए कुछ काम है। तुम दोनों को मैदान की सफाई करनी होगी, आखिर तुम दोनों ने ही यहाँ की ये हालत की थी।
ओह, तो अब तुम दोनों खेलना चाहते हो सफाई करने के बाद? लगता है सूजी और जेरेमी भी यही चाहते हैं। मैट सही है, तुम दोनों ने अपनी मस्ती कर ली, अब दूसरों को खेलने दो। मैदान को फिर से ऐसा देख के अच्छा लग रहा है। वक्त है इन बदमाश बच्चों के घर जाने का। उम्मीद है इन्होंने अपना सबक सीख लिया होगा। बहुत अच्छा काम किया दोस्तों, कार सिटी फिर से सुरक्षित और साफ है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। Come on.